नमस्कार, मेरे चैनल बाटिका किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर प्यूरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अभी बाज़ार में टमाटर बहुत मिल रहे हैं और सस्ता भी हैं। टमाटर प्यूरी बनाने के लिए हमें केवल टमाटर चाहिए और थोड़ा सा नमक चाहिए। एक बार टमाटर प्यूरी बना कर रख लेते हैं तो हमें किसी भी चीज़ में डालने में बहुत ही आसान होता है, जैसे पिज्ज़ा में, पास्ता, फ्राइड राइस, चाउमीन और यहाँ तक कि टोमेटो सॉस भी इससे बना लेते हैं। और चलिए टमाटर प्यूरी कैसे बनाते हैं इसे देखते हैं। प्यूरी बनाने के लिए 1 kg टमाटर लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं और अब इसे हम काट लेते हैं। इसे हम 4 टुकड़ों में काटते हैं। इस तरह से हम सभी टमाटर को काट लेते हैं। अब इसे गैस पे चढ़ाते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। इसे 2 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। ये नरम हो चुका है। अब इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। इसे हम ज़्यादा नहीं पीसेंगे, हम थोड़ा ही पीसेंगे ताकि इसका बीज और छिलका ना पिसाए। इस तरह से अब बड़े छन्नी के सहायता से हम इसे छान लेते हैं। इस तरह से चम्मच के द्वारा इसे हम छानते हैं। देखिए, ये जो है ये निकल चुका है इसका छिलका और बीज को, इसे हम फेंक देते हैं। और ये जो प्यूरी बनाने के लिए हमें इसका पल्प मिल चुका है और अब इसे हम गैस पे चढ़ाते हैं और इसे हम गाढ़ा होने तक पकाते हैं। गैस के फ्लेम को तेज ही रखेंगे और इसे चलाते जाएंगे ताकि यह जले नहीं। इस तरह से हम इसे ठीक होने तक पकने देते हैं। देखिए, प्यूरी बन चुका है। ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है और इसे अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालते हैं। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार नमक कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। ठंडा होने पर इसे आप कंटेनर में रख दीजिए और महीनों आप इसका यूज करिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह रेसिपी ज़रूर बताएं, हमें कमेंट और लाइक करें। प्लीज़, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।